हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनका यादव और मेरे चैनल का नाम है #कुकाब्यूटीवर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली डॉक्टर बत्रास प्रो लाइटनिंग फेशियल किट का रिव्यू। ये किट मैंने अभी न्यू ही मंगवाई है अमेजोन से, कि वैसे MRP लिखी हुई है 1500 रुपीज, लेकिन ये मेरे को मिला है आई थिंक 600 में या 500 रुपीज में मेरे को मिला है। रिव्यू करने वाली हूँ। वैसे मैंने एक बार इसको पहले भी यूज किया हुआ है, तो आज मैं आपके सामने ही इसको यूज करके दिखाऊंगी और आप देख सकेंगे कि कितना फर्क मेरे स्किन पे लग रहा है और कितना नहीं लग रहा है। वैसे ये प्रो लाइटनिंग फेशियल किट है, जैसे कि आपकी स्किन को लाइट करने के लिए। तो मैं इसको एक बार यूज कर चुकी हूँ, तो मुझको ऐसा कुछ लाइटनिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली कोई एक बार यूज करने पे किसी चीज को इतना इफेक्ट नहीं नजर आता है, तो मैं आज इसको दूसरी बार भी यूज करने लगी हूँ और अब देखेंगे कि इंस्टेंट रिजल्ट कोई मिलता है इससे या नहीं मिलता है, तो आप खुद भी देख के जज कर पाएंगे। इसीलिए आज मैं जो वीडियो है वो नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ। जहां मैं बैठी हूँ वहां पे नॉर्मल लाइट भी नहीं जल रही है, ये सिर्फ डे लाइट है जो डोर से मेरे फेस पे आ रही है, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे लाइट गई हुई है, इसलिए यहाँ पे मैंने ना रिंग लाइट चलाई हुई है और ना दूसरी लाइट है। इसमें 5 स्टेप्स है, 5 के 5 स्टेप्स में आपको करके दिखाऊंगी किस तरह से मैं फेशियल भी करती हूँ, आपको स्टेप्स भी पता चल जाएंगे और ये फेशियल कैसा है ये भी हमें पता चल जाएगा। अगर आपको इससे कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, अच्छी है या नहीं है, उसी से आप जज कर पाएंगे कि आप ये फेशियल किट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर आपके लिए यूजफुल रहे तो मेक श्योर मेरी जो वीडियो है उसको एक बिग थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। मेरे चैनल पे मैंने न्यूट्रीग्लो की फेशियल किट का भी रिव्यू किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार ये वाली भी ट्राई करके देखनी चाहिए। मुझे अभी अफोर्डेबल प्राइस पे भी मिल रही थी और डॉक्टर बत्रा काफी ज्यादा फेमस है अपने होम्योपैथिक दवाइयों के लिए। ये स्किन केयर और हेयर ट्रीटमेंट की चीजें भी शुरू की हैं, तो मेरे को लगा मैं एक बारी ट्राई करके देख लेती हूँ, बिकॉज सैलून पे लोग इस तरह की जो फेशियल किट्स हैं या इस तरह की फेशियल्स की डिमांड ज्यादा रखते हैं। तो अगर ये यूजफुल रहेगी तो जरूर हम लोगों पे भी ये ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं खुद ही अपने फेस पे ट्राई करती हूँ जो भी फेशियल किट मंगवाती हूँ। फेशियल करने के लिए मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, ब्लैक हेड्स निकालने के लिए ब्लैक हेड रिमूवर स्पॉन्ज, मेकअप रिमूवर स्पॉन्ज है, इसी से मैं अपना फेस पे जो क्रीम लगी हुई वो भी रिमूव कर लूंगी। हेडबैंड लगा लेती हूँ, फेशियल हेडबैंड है, ये मेरा पर्सनल है। अभी आप अपना फेशियल करें तो अपने इयररिंग्स वगैरह आप उतार लीजिए, ताकि इयर्स पे भी आप अच्छे से साफ कर सके अपने इयर्स को भी। इसका नाम है डॉक्टर बत्रास प्रो प्लस लाइटनिंग फेशियल किट एनहांस विद मलबेरी एंड इक्नीसिया एक्सट्रैक्ट, और इसमें आपको 5 स्टेप्स मिल जाते हैं। सबसे पहले क्लींजर, स्क्रब, जेल, क्रीम और पैक है। अंदर से इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है हर जो डब्बी है उसके बीच में। तो ये देखिए 5 स्टेप्स हैं, इन सभी के ऊपर इनके स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का है, व्हाइट कलर का क्लींजर। इसमें जितनी क्वांटिटी दी हुई है, आप अगर आप किसी का भी फेशियल करेंगे तो 4 से 5 बार आप फेशियल कर लेंगे इससे। तो गाइज, मैंने अभी क्लींजर से अपने फेस को अच्छे से क्लींस कर लेना है। अगर आपके फेस पे कोई फेस कुछ आपने को लगाया हो, मॉइस्चराइजर या मेकअप वगैरह, तो वो भी इस क्लींजर से अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मेनली इसका काम यही होता है, जो भी फेस पे डस्ट वगैरह है या आपने जो भी कुछ अपने फेस पे लगाया है वो अच्छे से उतर जाता है। तो आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए कर सकते हैं, और नेक पे भी अच्छे से कीजिएगा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा डस्ट है आपके फेस पे वो अच्छे से रिमूव हो जाए। इसके बाद मैंने अपना जो फेस स्पॉन्ज है वो यूज़ किया है, उससे अच्छे से क्लींजर को साफ़ कर लेना है। आप इसमें ठंडा पानी या सर्दियों में आप गुनगुना पानी यूज़ कर सकते हैं। अब ये है सेकेंड स्टेप, वो है स्क्रब। इसका स्क्रब अच्छा है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, इसके ग्रैन्यूल्स बहुत सही है और आसानी से आप इससे अपना स्क्रब कर सकते हैं। अगर आपको हार्श लगे तो आप इसका टाइमिंग थोड़ा कम कर सकते हैं, लाइक आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कुछ 5 से 6 मिनट के लिए मैं यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको प्रॉपर बताऊँ तो मेरा फेशियल करने का ज़्यादातर टाइम 40 मिनट्स रहता है, और 10 to 15 मिनट्स के लिए मैं अपना फेस पैक लगाती हूँ। तो आप देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ ना, जब आप स्क्रबिंग करें तो राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्क्रबिंग अच्छे से हो जाती है, डेड सेल्स जो है फेस के वो उतर जाते हैं। अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं ब्लैक हेड रिमूवर से अपने जो फेस पे थोड़े व्हाइट हेड्स हैं उनको रिमूव कर रही हूँ।
अब मैं यूज़ करने लगी हूँ थर्ड स्टेप जो कि है जेल। जेल से मैं अपने फेस पे अब मसाज करूँगी और प्रेशर पॉइंट्स को दबाऊँगी। इसके जो भी स्टेप्स हैं ना, सब में से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत ही अच्छी है। अब आप देखेंगे कि जो भी मैं मसाज जेल और मसाज क्रीम से करूँगी ना, वो दोनों मैं करूँगी अपवर्ड डायरेक्शन में अपने फेस लिफ्टिंग के लिए, क्योंकि अगर आप 25 to 30+ के हैं तो आपको इस तरह की ही मसाज करनी है जिसमें आपकी जो स्किन है वो अपलिफ्ट हो और आपके फेस पे जो झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं वो ना आए। उस तरह से ही आपको प्रेशर पॉइंट्स दबाते हुए अपने फेस की मसाज करनी है। मैं आपको जो मसाज के स्टेप्स दिखा रही हूँ वो यूजुअली ही मैं अपने क्लाइंट्स पे भी करती हूँ, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है इन स्टेप्स को यूज़ करके। फेशियल करते टाइम सिर्फ अपने फिंगर्स की नहीं, पाम्स का भी आप यूज़ करें, क्योंकि हमारे पाम्स में से काफ़ी वॉर्म्थ निकलता है जो कि फेस पे हाथ लगाने से अच्छा भी लगता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन है फेस की वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे कि हमारे को अच्छा सा ग्लो आता है फेस पे। इसके बाद मैं ये भी साफ़ कर लूँगी। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मसाज क्रीम। अब मसाज क्रीम से कम तो मैं 20 से 25 मिनट तक के लिए अपने फेस पे मसाज करूँगी। अच्छे से मसाज स्ट्रोक्स देने हैं, अपने एयर्स पे भी ज़रूर आपको मसाज करनी है और नेक पे, फेस पे अच्छे से मसाज करें। और जिस जो भी स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप वही वाले स्टेप्स कर सकते हैं। आप अगर किसी का फेशियल कर रहे हैं तब भी ये वाले स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं। रिलैक्सिंग होनी चाहिए आपकी फेशियल, जिस तरह के देखिए मैं प्रेशर पॉइंट दबा के स्टेप्स कर रही हूँ वही वाले आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये देखिए अपने आइज़ के जो टेम्पल एरिया होता है जहाँ पर ज़्यादातर लोगों को रिंकल्स की प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर भी आप इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में फेशियल के स्टेप्स कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मसाज क्रीम को आपको पूरा एब्जॉर्ब करा देना है स्किन में। आप देखेंगे मेरे फेस पे अब बिल्कुल भी मसाज क्रीम नज़र नहीं आ रही है। अब इसको मैंने स्पॉन्ज से क्लीन कर लिया है अपने फेस को। अब मैं अप्लाई करूँगी फिफ्थ स्टेप जो कि है पैक। थोड़ा सा मैंने अपने पाम पे लिया है और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मैं अपने फेस पे, पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे तरीके से। और इसकी बहुत ही पतली सी लेयर लगानी होती है, ज़्यादा मोटा मोटा आपको नहीं लगाना है, बट बीच में पानी भी मिक्स नहीं करना है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा लगा, मेरे को लग भी नहीं रहा था बिल्कुल भी फेस पे। 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था, अब ये सूख गया है तो मैं हाथों को थोड़ा सा गीला करके फिर इसको उतारूँगी, क्योंकि इससे जो फेस पैक है ना ईजिली उतर जाता है। अगर सूखा रहेगा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा उतारने में और स्किन भी आप रगड़ेंगे तो सही बात नहीं है फेशियल करने के बाद। तो अब मैंने इसको एक क्लीन टॉवल से अपने फेस को ड्राई कर लिया है, ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। तो गाइज ये है इस फेशियल का फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हैं फेस पे मेरे काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया है। ये है, बाकी आपके फेशियल करने के स्टेप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फेशियल करवा रहे हैं, और फेशियल काफ़ी अच्छी भी है। इससे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही मेरे को कोई फेस पे जलन हो रही थी। कई फेशियल से तो बिल्कुल भी ग्लो नहीं आता, लेकिन इस फेशियल से फिर भी काफ़ी अच्छा सा ग्लो आया है, जैसे कि आपने साथ साथ में ही देखा होगा। जैसे मेरी न्यूट्री ग्लो की फेशियल किट्स हैं, जैसा वो वर्क करती है ऑलमोस्ट वैसा ही कर रही है, तो इसलिए मेरे को ये भी अच्छी लग। अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो काफ़ी अच्छी है। इसको करने के बाद, पहले भी मैं एक बार कर चुकी हूँ, अभी भी किया है, इसको करने के बाद मुझे कोई भी फेस पे एक्ने वगैरह या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। ब्राइटन अप करने वाली कोई फेशियल किट चाहिए तो आप इसको एक बार यूज़ करके देख सकते हैं, हो सकता है 4-5 बार करने के बाद ही इसका अच्छा सा रिजल्ट आपके सामने आए। अगर आपको ज़रा सा भी मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।